दोस्तों, आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, हम भी लोग अच्छे हैं। और अभी हम लोग घूम रहे हैं गांव में, मौसम का आनंद ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही शानदार मौसम हुआ है। बारिश का माहौल है पूरा और चारों तरफ आंधी आंधी देख रहे हैं। मौसम काफ़ी सुनहरा हुआ। बागीचे में थे हम लोग और बागीचे में से घूम रहे हैं। आज हम लोग दिन भर का अपना अपना रूटीन दिखाएंगे, क्या क्या करते हैं, क्या होता है। आगे बने रहिए वीडियो में हम लोग के साथ और देखते रहिए। आ गए हैं प्रभात जी के पास में, जो कि खेत में मक्का बोए थे, अभी उसको साफ कर रहे हैं। आराम से मस्ती से गाना सुन रहे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और देखिए, देखते ही दांत चियारने लगे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे हैं कि बारिश आ रहा है और बारिश में हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि काफी तेज तेज आ रहा है। बूंद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। और प्रभात जी देखिए, खेत में लगे हुए हैं अभी भी, इतने बारिश में घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और काफी तेज आ गया और जल्दी भाग रहे। बारिश तेज हो रहा है कि अभी हम लोग आके मंदिर पे बैठ गए हैं। देखिए, ये पीछे स्याही नदी है और बारिश आप लोग को दिखाई ही दे रहा होगा, काफी तेज। ये प्रभात जी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस गलत हो रहा है, खेती छोड़ के आए। हाँ, खेती छोड़ के आए हैं। ये देखिए, ये साफ कर रहे थे, अभी हिमांशु अपने हाथ में लिया है। और काफी तेज बारिश हो गया है, देखिए मौसम इसे ठंडा भी हो गया है। अरे अमन है तो आप भी कुछ बोल दीजिए, आपको कैसा लग रहा है बारिश में? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे प्रभात जी अभी खेत में काम कर रहे हैं, इसको देखकर हम भी इंस्पायर हुए हैं। हाँ, इंस्पायर हो गए हैं अभी भी। हाँ, तो ये बारिश बंद हो चुका है और बारिश बंद होने के बाद से हम लोग गांव में घूमने के लिए निकल गए हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। साथ में हिमांशु है, हिमांशु कुछ बोलेगा, बोलो कुछ। हिमांशु, कैसा लग रहा है बारिश होने के बाद से? बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन गांव में कीचड़ होने के कारण बहुत ही खराब मौसम हो गया है। और अभी एक हम लोग आपको गाँव का बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाएंगे, झोपड़ी का घर। और बहुत ही शानदार होता है, काफ़ी ठंडा रहता है उसमें, और गर्मी में भी वो हमेशा ठंडा रहता है। काफ़ी शानदार माहौल, ये गांव का दृश्य है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। ये बारिश के बाद का माहौल है ये गांव का। ये अमन आ गए हैं इधर, आ गया है। रोड का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। अभी चारों तरफ पानी ही पानी। अभी गांव में खूब शानदार, बहुत ही शानदार मड़ई आप लोग देखिए, यही है मड़ई। और हमेशा ठंडा रहा। जय श्री राम बोलिए, हर हर महादेव। कैसा महसूस कर रहे हैं अब बारिश होने के बाद से? कुछ 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 बोलिए, आपका वीडियो बन रहा है। वीडियो बन गया। हाँ बोलिए बोलिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? तैयारी हो गया, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप? कहाँ जा रहे हैं? उधर चल रहे हैं। तो बारिश हुआ है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हुआ है, कहाँ जाइएगा गिरने के लिए? हाँ, ये पांडे बाबा है गांव के, हर हर महादेव पांडे बाबा। हाँ। मजा है ना? हाँ। ठीक है, ये काफी शानदार फल सब्जी है, नेनुआ है, बहुत ही जबरदस्त। ये चारों तरफ नेनुआ ही नेनुआ है, सुनहरी गलियां हैं ये। और गांव में सुनहरी गलियों में हम तीन लोग, हम लोग प्रभात जी के दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ही शानदार, आगे मड़ई ये डाल के रखे हैं, हमेशा ठंडा ही ठंडा रहता है और इसका बहुत ही खूबी है। अरे हम लोग आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा ही ठंडा रहता है। अभी वो है नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। अभी आते हैं तो उनसे मिलवाते हैं। अब कौन दे रहा है? मेरा दिख रहा होगा। हाँ, अभी लाइट जला दी है, देखिए। और काफी शानदार है, महाराजा वाला इसमें फील महसूस करेंगे। पंखा भी है यहाँ पे, बहुत ही शानदार। हम लोग के आराम के लिए लाइट भी है, एकदम देसी माहौल है। हिमांशु क्या बोलना चाहेंगे इसमें, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है गाइस, आपके गाँव का खूबसूरती यही है। ये नहीं है मतलब कुछ नहीं है, इसका इसका आनंद जो मिल जाएगा वो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिल पाएगा। आ गए हैं प्रभात जी, हम लोग के बीच में आ गए हैं। बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रभात जी बोलिए, आपको लोग जानना चाहता है,
मड़ई की कुछ विशेषताएं बताइए। अब सर मारे बोलिए भाई बोलिए। प्रभात जी एक एक बिस्कुट लेके आए हैं, सबको दिए हैं, बताइए आए हैं घर, कम से कम लेके आए रहते उसी का आनंद ले रहे हैं, अपने चार ले लिए हैं, बाकी लोगों को एक में दे दिए हैं, उसी में सारे लोग खुश हैं। अरे तो हमेशा खुशी खुश रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने धनी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पंखा कितना मस्त चल रहा है, इतना ठंडा हवा नहीं लगती है, जो कूलर है वो भी इसके आगे फेल है। गांव से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।